अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आओ। लेकिन बात क्या है? अरे हमें क्या मालूम, तुम्हारे मामा ने बुलाया है तुमको। मामा ने? ऋषि कैसा है भांजे? ठीक हूँ। खुश तो है? किसी चीज की जरूरत हो अपने मामे से शर्माना नहीं, ठीक? अच्छा एक बात सुन, ये साइन पहचानता है? ये नहीं बेटा, जरा गौर से देखो, शायद पहचान जाओ। नहीं मुझे नहीं पता ये साइन किसके हैं, और आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिस किसी के भी ये साइन है वही तेरी माँ को मेंटल असाइलम से लेकर गई है। मतलब कोई औरत है? हाँ, और वो औरत जो कोई भी है मैं ढूंढ निकालूंगा उसे, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये आप हमेशा मारने काटने आग लगाने जिंदा जलाने की बातें ही क्यों करते हैं? हो सकता है कोई भलाई के इरादे से लेकर गया हो मेरी माँ को। कौन ऐसी देवी पैदा हो गई है? नहीं ऋषि, किसी ने जरूर यह बुराई के इरादे से किया है, मुझे चोट पहुंचाने के लिए किया है। वो शख्स अच्छे से जानता है कि मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूं। जब इतना प्यार करते थे आप, तो फिर क्यों मेंटल असाइलम में बिना किसी सहारे के छोड़कर चले गए आप? बेटा तेरी माँ का इलाज करवाने के लिए उन्हें वहां छोड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता कोई जानकी को वहां से ले जाएगा सिर्फ मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए। जब आपको मालूम था कि आपके दुश्मन हैं तो फिर आपने अकेला क्यों छोड़ा, उनका ध्यान क्यों नहीं रखा आपने? इस बात का पछतावा है मुझे बेटा, बस एक बार मेरी बहन मुझे वापस मिल जाए मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। आप क्या दूर नहीं जाने देंगे? अगर मुझे मेरी मां मिल गई तो मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगा, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं, आपकी भी नहीं। हाय डैड। अरे विद्या रानी। क्या डैड, आप लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने क्यों नहीं आए? अरे बेटा हमें ये मालूम था कि तुम आने वाली हो, ये थोड़ी मालूम था कि तुम अभी आने वाली हो। क्यों, मॉम ने आपको बताया नहीं? मैंने तो मॉम को सारी डिटेल्स दे दी थी। अरे ये घर तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, नथिंग्स चेंज्ड। क्यों डैड? तुम क्या अपनी तरह इस घर को भी बदल देना चाहती हो? डैड मुझमें कोई चेंज आया है? तुम यहाँ से क्या पहनकर गई थी? सलवार कुर्ता, और ये पहनकर क्या आई हो? क्या कपड़े पहनकर आई हो? शर्म नहीं आती तुमको? डैड जैसा देश वैसा भेस। मानसी, मम्मी, मम्मी। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी मेरी, एक बार गई तो गई, छुट्टियों में भी नहीं वापस आ सकती थी मम्मी को मिलने। क्या मॉम, आप तो जानती हैं ना, जहाँ करियर का सवाल होता है वहाँ पे इमोशंस के लिए कोई भी जगह नहीं होती। आपको पता है मॉरिशस में मेरे लिए इतना काम था कि मुझे अपने लिए एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा ट्रांसफर हो गया, नहीं तो आप लोगों को मुझसे मिलने मॉरिशस आना पड़ता। देखा आपने कैसे पटर पटर बोलने लगी है मेरी बेटी। ये कोई नई आदत नहीं है, यहाँ थी तो क्या कम बोलती थी? कुछ भी नहीं बदला है, बस कपड़े जरूर बदल गए। डैड आप मेरे कपड़े को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखो बेटा,
हम जिस समाज में रहते हैं वहां के रहन सहन, तौर तरीका, पहनावा, उसके कुछ नियम है, कुछ तरीका है उसका। डैड, किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जमाना बदल गया है, लेकिन आप लोग लकीर के फकीर बनकर बैठे हैं। तोड़ दीजिए पुरानी परंपराओं को, नई वैल्यूज को पहचानिए डैड। मानसिक तू भी, क्या जरूरत है इनसे इतनी बहस करने की? पर मॉम, हमने सोचा था कि उस शैतान से हमें छुटकारा मिल गया, लेकिन वो भंडारी तो हमारे परिवार के पीछे पड़ गया है। बाबूजी, उसने अमेरिका में भी हमें बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी की वजह से आज भी निशांत को वहां रुकना पड़ा है। ये बात तुमने हमें पहले कभी नहीं बताई। क्या बताता बाबूजी, हमने सोचा शायद उसे सद्बुद्धि आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस राक्षस से तुम सद्बुद्धि की उम्मीद रखते हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चाहता क्या है। सिर्फ हमारी तबाही बाबूजी, वो मन का काला है बाबूजी। अगर तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि ऋषि भंडारी के पास है, तो तुम उसकी रिपोर्ट थाने में क्यों नहीं लिखवाते हो? बाबूजी, एक बार तो पुलिस को लेकर जा चुका हूं, अब मैं कोई मौका नहीं खोना चाहता। बाबूजी, मैं उस फिराक में हूं जब मैं ऋषि के साथ उसे रंगे हाथों पकड़वाऊं। क्या तुम्हें वो मौका देगा? भगवान करे उसके वंश का अंत हो जाए, कीड़े पड़े उसके। बेटे, अगर उसने ऋषि को कैद किया है तो उसे कब तक छिपा कर रख सकता है? बाबूजी, इस बार अगर मैंने भंडारी के गुनाह को साबित करके उसे जेल में न पहुंचाया ना, तो मेरा नाम अनिरुद्ध चौधरी नहीं। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। सही पहचाना चौधरी साहब। और जीजा जी, किसे जेल भिजवाने की बात कर रहे हैं आप? जेल तो मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा। ए! इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? आप लोगों ने मजबूर किया मुझे यहां आने के लिए, वरना इस घर की चौखट पर मैं थूकने भी नहीं आता। जीजा जी, मैं आपसे यह पूछने आया हूं कि मेरी बहन जानकी कहां है? कहां छुपा के रखा है मेरी बहन जानकी को? आप भी बच्चों के साथ बच्चे हो जाते, ऐसी क्या खराबी थी उसके ड्रेस में? जिन नजरों से तुम अपनी बच्ची को देख रही हो ना, उसमें तुम्हें कोई खराबी नजर नहीं आ। मानसी को जो आजादी तुमने दी है वो एक दिन हमें मुसीबत में डाल देगी। उफो, आप भी बात को कहां से कहां लेकर गए। आजकल ये फैशन है, बच्चे ऐसे ही कपड़े पहन रहे हैं, शहर में आते जाते देखा नहीं आपने? वो सब हमारी बेटियां नहीं है। अरे, लेकिन किसी की तो बेटियां है ना, उनके भी माँ बाप है, उन्होंने इजाजत दी है ये ड्रेस पहनने के लिए। जैसा फैशन वैसे कपड़े। उर्मिला भी हमारी बेटी है, कुंवारेपन में कभी उसने ऐसे कपड़े पहने हैं क्या? डैड, मैं उर्मिला दीदी नहीं, मैं मानसी हूँ। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान। पहचान बनाने के लिए कपड़ों की नहीं बल्कि गुण और प्रतिभा की जरूरत होती है। For a confirmation that qualities मुझ में भी है, और एक दिन उसे जरूर प्रूव करूंगी। अब बस नहीं कर मानसी, हर इंसान की पसंद एक सी नहीं हो सकती। जो चीज इन्हें नहीं पसंद वो तुझे पसंद है। बिल्कुल ठीक कहा मॉम, इंसान को इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि वो जिंदगी अपने तरीके से जी सके। डैड, आप अपने पुराने ख्याल प्लीज मुझ पर मत डालिए। आप लोग तो आज भी रामायण और महाभारत से निकल नहीं पाए, लेकिन आज की लड़कियां चांद पर जा रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, पुलिस और ऐसे कई डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, वहां का ये पहनावा नहीं देखा जाता। डैड, अगर आप मुझे उर्मिला दीदी की तरह देखना चाहते हैं तो आई एम सॉरी।
इस तरह एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी बताओ मेरी बहन कहाँ है? आज इतने सालों बाद तुम हमारे घर में अपनी बहन को ढूंढने आए हो। छोटे मक्कार फरेबी, जिसे तूने कैद करके रखा है, मेरे उस बेटे के बारे में बता। ये जानकी का नाटक छोड़। नाटक तो आप कर रहे हैं जीजा जी। जानकी के नाम पर ऐसे खामोश हैं, जैसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं आप लोगों को। पता है, ये बात हमें कई सालों से पता है कि जानकी मर चुकी है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। मरे मेरी बहन के दुश्मन। मेरी बहन जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। अगर तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं जलाकर राख कर दूंगा इस पूरे चौधरी खानदान को। अपनी जबान को लगाम दो भंडारी। चौधरी खानदान को तुमने कूड़े का ढेर समझ रखा है जो जलाकर राख कर दोगे? हमारे परिवार की ओर बुरी नजर देखने वाले तू खुद जलकर एक दिन राख हो जाएगा। तो फिर बताओ पुरुषोत्तम चौधरी, मेरी बहन कहाँ है? तू पागल हो गया क्या? जानकी कहाँ ये तुझसे बेहतर कौन जानता है? बरसों पहले उसे दफनाकर तू यहाँ उसकी लाश ढूंढने आया है? झूठ बोल रहे हो तुम जीजा जी। तुम लोगों ने धक्के मारकर मेरी भोली भाली बहन को घर से बाहर निकाल दिया। वो बेचारी पागल हो गई। उसके इलाज के लिए मैं उसे मेंटल असाइलम में एडमिट कराकर अमेरिका चला गया। अब लौटकर वापस आया हूं तो मेरी बहन वहां है ही नहीं। इसका मतलब जानकी जिंदा है? हाँ, तुम लोगों ने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ये तो बता दो, मेरी बहन की जिंदा लाश को कहां छुपा के रखा आप लोगों ने? हमें तो आज पता चल रहा है कि जानकी जिंदा है। जब हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं तो हम उसे क्यों छुपाएंगे? सुमित्रा ठीक कह रही है। चौधरी साहब, फिर मेरी बहन कहां चली गई? उसे जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? ये तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? मेंटल अजालम में जाकर पूछो, जहां तुम अपनी बहन को छोड़ कर आए थे। तुमने और तुम्हारी बहन ने हमारी जिंदगी में कम जहर घोला है जो हम आज भी उससे वास्ता रखेंगे? तुम लोगों की बातों को मैं सच नहीं मान सकता। जब तुम्हें मैं नहीं मिला तो तुम मेरी बहन को मेंटल असाइलम से उठा लाए। अरे टकराना है तो मुझसे टकराओ। मेरी बहन को मोहरा बनाने की क्या जरूरत है? जो बेचारी ना जिए में है ना मरे में है। सुना भंडारी, हमें जानकी के बारे में कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हमें इस बात का यकीन है कि ऋषि हमारा बेटा तुम्हारे पास है। ऋषि? कौन ऋषि? मैं किसी ऋषि विषि को नहीं जानता। मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में पूछने आया हूँ। सीधे सीधे बता दो मेरी बहन कहाँ है, वरना वरना क्या करेगा तू? तेरे जबरदस्ती करने से जानकी को हम पैदा तो नहीं कर सकते। अनिरुद्ध चौधरी, क्या तुम्हें भी मालूम नहीं कि मेरी बहन कहाँ है? जब तुमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया था तो फिर क्यों उस बेचारी को? नहीं नहीं भंडारी, हम सच कह रहे हैं कि हमें जानकी के बारे में कुछ पता नहीं है। आज इतने सालों बाद तुम्हारे मुंह से पहली बार सुना है कि जानकी इस हाल में जिंदा है। अगर जानकी के बारे में। बस अनिरुद्ध चौधरी, बस एक्टिंग मत कर, सीधे सीधे बता मेरी बहन कहाँ है। क्या बताऊं तुझे, एक ही बात की रट लगाए बैठा है। जब कह दिया तुझे कि हमें पता नहीं कि जानकी कहाँ है, तो बात का विश्वास क्यों नहीं कर लेता? हर किसी को तू अपनी तरह समझता है। किसी को किडनैप करके छुपा के रखना तेरी आदत होगी, हमारी नहीं। यह बता के ऋषि कहाँ है? जिस तरह मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, वैसे ही तुम अपने बेटे के लिए तड़पोगे। ज्यादा दिन तक जानकी को छुपा कर नहीं रख सकते तुम। तुम्हारी ये चाल बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। जा जा जा। निशांत, कोई हमें इतना अच्छा क्यों लगने लगता है जिसके आगे सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है? अब मुझे देख लो, तुमसे मिलने के बाद मैंने ये तक जाने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारी पिछली जिंदगी क्या थी। लेकिन अब तो तुम सब जानती हो ना, जो जिंदगी मिली है उसे सुख और शांति से जीना सीखो। संजना जिंदगी जीने का नाम है।
से हर घड़ी सवाल मत पैदा कर रखा। निशांत, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सारी सच्चाई जानने के बाद सवाल तो पैदा हो ही जाते हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा? संजना, ऐसा कोई भी सवाल मत पैदा करो जिसका ना तुम जवाब दे सको ना मैं। ये सवाल ना तुम्हें जीने देंगे ना मुझे। लेकिन निशांत, तुम्हारे दिल में कभी ऐसा सवाल पैदा नहीं हुआ कि तुमने कभी किसी को धोखा दिया है? मैंने हर सवाल को वक्त के हाथों में सौंप दिया है, अब वही इसका जवाब देगा। निशांत, क्या कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे अपनी बहू एक्सेप्ट करें? भविष्य में क्या होगा या क्या हो सकता है ये मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी बताओ ना, तुम्हें क्या लगता है? What do you think? मेरे लगने या ना लगने का सवाल ही नहीं उठता संजना। मैं तो इतना जानता हूँ कि मैंने तुमसे शादी की है और इस रिश्ते को मैं पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। लेकिन मेरे घर वालों से तुम्हें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हो निशांत? अगर उम्मीदें छोड़ दी तो मैं जीऊंगी कैसे? कहीं कल को ऐसा ना हो कि मैं एकदम अकेली हो जाऊं तो फिर मेरा क्या होगा? ऐसा क्यों सोचती हो संजना? ये इनसिक्योरिटी तुम्हें कहीं बीमार ना कर दे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं होता जब मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा? तो फिर तुम ऐसा सोचती क्यों हो? ये सोचना गलत है संजना। लेकिन निशांत, तुम्हें कभी उन रिश्तों की भी याद आती होगी ना? मुझे तो यही डर लगता है कि कहीं वही रिश्ते तुम्हें मुझसे खींच कर ना ले जाए। मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या ये काफी नहीं? मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूँ संजना? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, फिर तुम ऐसा क्यों सोचती हो? निशांत, लोग मिलकर भी तो बिछड़ जाते हैं ना। देखो संजना, तकदीर में क्या लिखा है ये तो ना तुम जानती हो ना मैं। पर हाँ, तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, और अपनी जिंदगी के हिस्से को कोई काट कर फेंक नहीं देता।